अगर दिल्ली की जनता को पत्थर खाना है तो केजरीवाल को वोट देना, क्योंकि जामिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट हुआ था 14 तारीख को, भारत बचाओ रैली हुई थी कांग्रेस की, उसके बाद 15 को होता है जामिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट, और दंगे कौन भड़कवाता है? अमानतुल्ला खां। तो भैया अमानतुल्ला खां, अब्दुल रहमान और जो तीसरा आरोपी था, तीनों को टिकट दिया उसने। अगर केजरीवाल सच्चा इंसान है, आम आदमी है, तो उनको बर्खास्त करे पार्टी से। ऐसे नेताओं को टिकट क्यों दे रहा है जो सीधा खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमानों तुम्हारी दाढ़ी उतरवा देगा मोदी, बुरका बैन करवा देगा, ये कोई बोलने वाली बातें होती हैं? अगर ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है, हिंदू सेकुलर बन के रहे, बाकी मुसलमान खूंखार बन के रहे, हम पागल हैं भाई? आज़ादी के टाइम देश दे दिया, बांट के दे दिया, हिंदुस्तान को चीर के पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया, काहे के लिए शाहीन बाग में धरना हो रहा है? लेफ्ट का समर्थन कौन कर रहा है वहाँ पे? कांग्रेस और आम आदमी। ये इनको पीछे से जो पैसे बट रहे हैं, जो बिरयानी बट रही है वो इन्हीं के पैसों की बट रही है। नहीं तो क्यों केजरीवाल दिल्ली में ही तो है शाहीन बाग, कोई लंदन में तो नहीं है? जो 37 दिन हो गए आज तक केजरीवाल नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि पीछे से सारा हैंडलिंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है। कांग्रेस तो खुले आम है, शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर और कल दिग्विजय सिंह और कल चंद्रशेखर रावण भी गया था भाई। रावण नाम ही रावण रखा हुआ उसने, तो काम भी रावण वाले हैं उसके। मनीष सिसोदिया हैं, वे भी उसके समर्थक में उतर गए हैं कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो उसके समर्थन में है। तो मनीष सिसोदिया कौन सा भगवान है? वो केजरीवाल जैसे थुक्के चाटता है वैसे मनीष सिसोदिया चाटता है भाई। वो जब पथराव हुआ बस पे, पुलिस वाले आग बुझा रहे थे भाई, पेट्रोल है, पेट्रोल को पानी पे डाल दो, उसमें तिल्ली लगा दो, पेट्रोल जलेगा, क्योंकि घनत्व की बात होती है पानी और पेट्रोल में। पेट्रोल कभी भी अगर पानी के ऊपर डालोगे तो पानी के ऊपर तैरेगा, ना कि नीचे जाएगा। मिट्टी तेल भी होगा, उसमें पानी डाल दो बोतल में, कंच की बोतल में लेना, घर में करके देखना, मेरी बातों पे विश्वास मत करना। मिट्टी तेल पानी की बोतल में, कंच की बोतल में डालना, उसमें फिर पानी डालना, मिट्टी तेल कभी भी ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। ये घनत्व की बात होती है, साइंस की बात होती है। तो पेट्रोल पे अगर पानी डालेंगे तो एकदम थोड़ा ना बुझ जाएगा। जब तेल के कुओं में आग लगती है तो कई कई महीनों तक आग जलती है। किसी अरब वाले से पूछ ले मनीष सिसोदिया, केजरीवाल बोले पुलिस वाले आग लगवा रहे हैं। भाई पुलिस वालों पे तुम इल्जाम लगा रहे हो, पुलिस बिना सिक्योरिटी के चल के दिखाओ एक दिन ना, पिछली साल की तरह, पिछली बार की तरह जूते और चप्पल खाओ तुम। भैया पाकिस्तान और जो खालिस्तानी है उनके साथ बैठ के चाय पीता है अगला बंदा, 90 लाख के तो समोसे खा गया, RTI फाइल करके देख लो, 90 लाख के समोसे खा गया। आते ही बोला ना मैं VIP हूँ ना कुछ है, अपने विधायकों की सैलरी 3-3 लाख रुपए करवा दी महीने की, 3-3 लाख रुपए करवा दी। करप्शन अलग से कर रहे, करप्शन अलग से कर रहे, और लड़की कोई रुकती नहीं इनकी पार्टी में, सबसे बड़ी बात है। अलका लांबा देख लो, और 3-4 लड़कियां हैं जो छोड़ के भागी है। कुमार विश्वास को टिकट क्यों नहीं दिया इसने, सांसद क्यों नहीं बनाया? डरता है, डर इसके मन में है कि मैं सत्ता ना खो दूं, सत्ता के लिए इतना बड़ा ड्रामा कर रखा है इसने। और 20% हिंदू है, जो कहते हैं ना हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो भाई कश्मीर में कश्मीरी पंडित भगा दिए तब तो कहीं प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आज शाहीन बाग बंद क्यों है? 37-38 दिन हो गए भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो उनके लिए रोके दिखाओ ना। जो कश्मीरी पंडित आज तक तरस रहे हैं अपने घर पर, प्रॉपर्टी बच्चे छोड़ के आए हैं, मस्जिदों से कैसे नारे लग रहे थे, हिंदुओं अपनी औरतें छोड़ दो और तुम भाग जाओ। भाई हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है भाई, हिंदू 100 करोड़ होने के बाद भी आज खामोश है, इसीलिए खामोश है कि हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो आराम से रहना चाहता है, संयम के साथ रहना चाहता है।